Hello learners, so in this session we are going to discuss how to get admission in M.Tech courses at IITs, NITs without GATE score. I think this session बहुत सारे student के लिए एक new hope लेकर के आएगा, क्योंकि without GATE score आप कैसे M.Tech courses में admission ले सकते हैं, IITs में, NITs में, ये आपने काफ़ी कम सुना होगा, क्योंकि IITs और NITs में without GATE possible ही नहीं है. But yes, कुछ ऑप्शंस हैं जिससे कि ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल है. तो आज यही सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ. इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए. और इफ़ यू आर प्लानिंग टू सब्सक्राइब अन अकेडमी फॉर एनी न्यू बैच फॉर गेट CSIT, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो अन अकेडमी पे ह्यूज डिस्काउंट अवेल करने के लिए, जो कल तक अवेलेबल है, 49% का डिस्काउंट. और अपना न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है. तो चलिए यहाँ डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट एमटेक एडमिशन आईआईटीज एंड एनआईटीज में आपको विदाउट गेट कैसे मिल सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एमटेक एडमिशन विदाउट गेट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस सच एज आईआईटीज एनआईटीज हैव सर्टेन प्रोविजंस, राइट? एंड कैंडिडेट्स जो एक्सपायर कर रहा है, जो चाहता है कि इसको डायरेक्ट एमटेक एडमिशन मिले, वो सबसे पहले वो स्टूडेंट बीटेक ग्रेजुएट होना चाहिए आईआईटी का, ठीक है? अगर आपने बीटेक आईआईटी से किया है तो आपको एमटेक आईआईटी में आराम से एडमिशन मिल सकता है. बस कंडीशन ये है कि आपका बीटेक जो आपने आईआईटी से किया है उसमें आपका सीजीपीए 8 का या उससे अबव का होना चाहिए, ताकि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए. अगेन शॉर्ट में बोलती हूँ कि अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं और आपने बीटेक आईआईटी से किया है और आपका सीजीपीए 8 या उससे ज़्यादा है, तो आपको डायरेक्ट एमटेक में एडमिशन मिल सकता है आईआईटी में, ठीक है? आपको गेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब ये तो उन स्टूडेंट की बात होगी जिसने बीटेक किया है आईआईटी से. बट और बाकी जो स्टूडेंट जिसने बीटेक आईआईटी से नहीं किया, फिर वो तो यहाँ पे कुछ और भी केसेस है जहाँ पे आप आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन ले सकते हो विदाउट गेट स्कोर. तो वो इंक्लूड करते हैं केसेस स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के. दैट मीन्स कि वो कैंडिडेट जिसका वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा है और जो रेडी है ये प्रूव करने के लिए कि वो एक स्टेबल स्टेट में है टू अप्लाई फॉर हायर एजुकेशन, तो वो एमटेक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गेट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस सच एज आईआईटीज एंड एनआईटीज, ठीक है? तो अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एमटेक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. इफ़ यू आर वरीड अबाउट हाउ टू डू एमटेक इन आईआईटी विदाउट गेट, तो यहाँ पे कुछ रिजर्व्ड सीट्स भी होती हैं उन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए इन द टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज, ठीक है? नाउ नेक्स्ट जो है वह क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है टीचिंग स्टाफ के लिए जिसका 3+ ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है. तो उनको एक चांस मिलता है कि आप इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग स्कूल को अटेंड कर सकते हो. ओके, सो कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर वेलकम टू अप्लाई टू आईआईटीज एंड एनआईटीज अंडर दिस स्कीम. ओके, तो 3+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन द तो आप यहाँ पे जा सकते हो विदाउट गेट. एमटेक एडमिशन फॉर स्पॉन्सर्ड सीट्स एट IICs, IITs एंड NITs. जैसे कि अभी मैंने बोला कि यहाँ पर IIC, IITs एंड NITs ऑफर करते हैं रेगुलर एमटेक सीट्स टू कैंडिडेट्स हु हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स, एंड दिस कैंडिडेट्स डोंट नीड टू अपियर फॉर द गेट एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन एमटेक प्रोग्राम. बट इनकी भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव कम्प्लीटेड बीटेक और BE विद द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स. अब वो डिपेंड करता है, डिफरेंट होता है IITs का, तो इट वेरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट. कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एमटेक थ्रू स्पॉन्सर्ड सीट्स मस्ट हैव वर्कड फॉर मोर देन 2 ईयर्स. कैंडिडेट्स शुड हैव बीन ग्रांटेड 2 ईयर्स स्टडी लीव बाय देयर एम्प्लॉयर्स, एंड द एम्प्लॉयर मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द कैंडिडेट थ्रू आउट द 2 ईयर कोर्स. ओके, सो सम ऑफ द IITs NITs में ऑल्सो कंडक्ट देयर ओन रिटन टेस्ट फॉर एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम थ्रू स्पॉन्सर्ड सीट्स. तो कुछ कुछ IITs और NITs अपना सेपरेट रिटन एग्जाम भी करती है ताकि वो एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन दे सके स्पॉन्सर्ड सीट्स के थ्रू.
अब यहाँ पर एमटेक एंट्रेंस एग्जाम जो ट्रिपल आईटीज की होती है, जो डीम्ड इंस्टीट्यूट्स और स्टेट्स की, उनकी भी मैं इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ। तो सम ऑफ द ट्रिपल आईटीज कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इन द एमटेक प्रोग्राम। इफ यू वांट टू कट डाउन द कंपटीशन एंड वांट बेटर चांसेस ऑफ सेलेक्शन एज कंपेयर टू एडमिशन थ्रू गेट, यू कैन अपियर फॉर द एमटेक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय ट्रिपल आईटीज। तो अगर आपने गेट स्कोर आपका अगर अच्छा है तो अभी आपको ट्रिपल आईटी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप विदाउट गेट भी देना चाहते हो तो इनका अपना सेपरेट एग्जाम होता है, ये अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो जैसे कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद और पीजीईई, इसका एंट्रेंस एग्जाम है। आंध्र प्रदेश एमटेक एडमिशन का भी अपना एग्जाम होता है, APPGECET। तेलंगाना एमटेक एडमिशन में TSPGECET। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU का CET एग्जाम। कर्नाटका एमटेक एडमिशन PGCET। गुजरात का गुजरात PGCET, जहाँ पे एमटेक एडमिशन आपको मिल सकता है। पर ये सारे अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसको वो जो क्वालिफाई कर लेता है उनका एडमिशन हो जाता है। अब कुछ यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हो सकते हैं जो मैं लेकर के आई हूँ, कि व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट क्वालिफाई इन गेट बट वांट टू परस्यू एमटेक। तो अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया है और आप एमटेक में जाना चाहते हैं तो आपके लिए सेवरल ऑप्शन है जो मैंने बताया, विदाउट गेट, एक तो स्पॉन्सर्ड कोटा और दूसरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। कैन आई टेक एडमिशन टू NIT विदाउट गेट? तो यस, आप एडमिशन NIT में ले सकते हैं विदाउट गेट, बट उसके लिए आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर सेटिस्फाई करना होगा, और मिनिमम आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वॉट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग टू एमटेक कोर्सेज विद गेट? तो अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए एमटेक कोर्सेज में तो आपका बीटेक डिग्री एटलीस्ट 55% का होना चाहिए। अगर एक कैंडिडेट के पास स्पॉन्सर्ड सीट है और उसने 3 साल कम से कम काम किया है तो वो ये 2 साल की स्टडी लीव ले करके अपने एम्प्लॉयर से फाइनेंशियल सपोर्ट ले करके एमटेक का कोर्स कर सकता है। कौन सा टॉप इंस्टीट्यूट है जो ऑफर करता है पार्ट टाइम एमटेक कोर्सेज इन इंडिया? तो वो IIT मंडी है, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है DTU, NIT जलंधर, अन्ना यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, UEM कोलकाता एक्सेट्रा। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर सेशन यूजफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा सेशन को, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं जो डेफिनेटली उनको विदाउट गेट भी IITs और NITs या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन सब में एडमिशन के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। एंड येस, अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप ना स्पॉन्सर्ड सीट्स में आते हैं, ना क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आते हैं, ना आपने बीटेक IIT से किया है, तो फिर आपको गेट के थ्रू ही एमटेक में एडमिशन मिल सकता है। तो इसके लिए आपको और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है स्टूडेंट, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट। तो गेट 2024 अपकमिंग जो आने वाला है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन अभी से करते हो तो आप लेट नहीं हो। 10 मंथ्स का टाइम है, 10 मंथ्स बहुत अर्ली भी नहीं है, बहुत लेट भी नहीं है, दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट। तो इन 10 मंथ्स में आप अपनी प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हो हमारे न्यू बैच के साथ। तो हमारा न्यू बैच का नाम है ऑल स्टार बैच, जो 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें गेट और PSU दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको इन सारे एजुकेटर का सपोर्ट मिलेगा, सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF नोट्स, डाउट क्लियरिंग सपोर्ट, एंड डेफिनेटली इनका गाइडेंस जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये बैच आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आज के आज, क्योंकि आज एक ऑफर चल रहा है जहाँ पे आपको 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ 3 मंथ्स एक्सटेंशन और 1 ईयर आइकॉनिक के साथ भी, वैसे 24 मंथ्स ड्यूरेशन के साथ आपको 4 मंथ्स का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक होगा 10% से। सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने के बाद इसका कॉस्ट ये हो जाएगा, बट अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं इस ऑफर के साथ, जहाँ पे आप 49% सेव भी कर रहे हो, आपका एक्सटेंशन ऑफर भी मिल रहा है और 10% का प्राइस ड्रॉप भी है। तो अगर आप इस रेफरल कोड को अप्लाई करते हो HelloSonu01, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जो चीज़ आप 96 की है वो आपको 50,000 में मिल जाएगी। बट आप अगर गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो आप 1 ईयर का ड्यूरेशन ही लेना, जिसमें कि 3 मंथ्स का एक्सटेंशन है जो आपके PSU में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो 1 ईयर का आप आइकॉनिक लेना 3 मंथ्स एक्सटेंशन, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट इतना है, और डिस्काउंट कोड हेलो सोनू 01 लगाने के बाद इसका जो कॉस्ट हो जाएगा वो 44 होगा। तो जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें। एंड यस, इस बैच के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे इस बैच में टॉप एजुकेटर्स पूरा सिलेबस गेट का कवर करवाएंगे। लर्नर्स किसी भी स्टेज पे इस बैच का पूरा बेनिफिट ले सकता है। जो भी डाउट होगा रिलेटेड टू एनी टॉपिक वो क्लैरिफाई भी किया जाएगा डाउट सेशन के थ्रू। क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में होंगी, नोट्स इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा। ये बैच 1 साल का है और इसमें 12 से ज़्यादा कोर्सेस होंगे। इसमें टोटल 400 लाइव क्लास होगा। लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश और हिंदी है। ये फुल सिलेबस बैच है और यहाँ पे इतने लर्नर्स ने अनअकैडमी को ट्रस्ट किया है और अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोगों ने एग्जाम को क्रैक भी किया है, जिसमें कि आप कुछ फीडबैक दे सकते हैं, जैसे कि अर्चना का, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक्स टू अनअकैडमी सच अ यूनिक कॉन्सेप्ट, बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग विद गुड प्राइस। एंड फैजन अहमद का है, माई कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीजिंग डे बाई डे, फीलिंग गुड, जेन्युइनली बेस्ट फॉर दोज हु रियली वॉन्ट टू लर्न एंड ग्रो, रियली रियली ग्रेट इंस्टीट्यूशन एट लीस्ट फॉर गेट, द एजुकेटर्स आर सो परफेक्ट दे मेक द प्लेटफॉर्म कम्प्लीट पेयर्ड विद एक्सेलेंट UI एंड रिप्रेजेंटेशन। सो ये फीडबैक्स है लर्नर का हमारे प्रीवियस बैचेस का। ये हमारा न्यू बैच है और इसमें आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यस, एक और बैच हमने गेट 2024 के लिए स्टार्ट किया है। 18 मार्च को वो स्टार्ट हुआ है, लास्ट वीक को, पर ये जो बैच है वो 31 मार्च को आने वाला है। बट क्योंकि सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप कल तक सब्सक्रिप्शन ले लेना इस ऑफर के साथ, कि कल ऑफर का लास्ट डेट है। नाउ उड़ान बैच भी है, उड़ान बैच में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप उड़ान बैच और ऑल स्टार बैच दोनों इनरोल कर पाओगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप गेट 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बुनियाद बैच को इनरोल करना। एंड अगर आपको ये बैचेस ज्वाइन करने क्यों करने हैं, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जिस ऑफर की मैं बात कर रही थी वो ये ऑफर है। अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हो तो आप नो कॉस्ट EMI या नो कॉस्ट लोन ले सकते हो, जहाँ पे विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आप मंथली पेमेंट कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए अगर आपको जानना है कि कैसे आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। ये हमारे दिस ईयर के रैंकर्स हैं जो अनअकैडमी के पेड स्टूडेंट्स हैं और जिसने अनअकैडमी के थ्रू गेट एग्जाम को क्रैक किया है, ऑल इंडिया रैंक 3 CSIT एंड ऑल इंडिया रैंक 4 CSIT। और अगेन, अगर आपको सिर्फ रविंद्र बाबू रवला सर के लेक्चर्स चाहिए तो वो भी बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है, रौद्रा CSIT सब्सक्रिप्शन। अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको सिर्फ डिस्काउंट नहीं बल्कि मेरा जो स्पेशल गेट गाइडेंस प्रोग्राम है उसका भी आप पार्ट बन जाओगे। तो रेफरल कोड ये है जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए और स्पेशल गेट गाइडेंस प्रोग्राम के भी आप हिस्सा बन जाओगे। प्लस आइकॉनिक में बेस्ट आइकॉनिक है क्योंकि इसमें सारे फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लस आइकॉनिक दोनों में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आइकॉनिक में सिर्फ वर्कबुक है, प्लस आइकॉनिक दोनों में टेस्ट सीरीज है, आइकॉनिक में डाउट फीचर है, बुक्स आइकॉनिक में है। तो मेक श्योर दैट कि आप इस कोड का स्क्रीनशॉट लें और जल्दी से इस सब्सक्रिप्शन का हिस्सा बन जाएं। ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाली है 26 मार्च से और स्कॉलरशिप टेस्ट है, रिकॉर्डेड कोर्स कम कॉस्ट में है, तो आप चाहें तो ये अवेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।